20 वर्ष यानी 2 दशक, वैसे तो यह अवधि अधिक नहीं जब करना हो भारत जैसे राष्ट्र का नव निर्माण और बनाना हो भव्य भारत। पर कहते हैं ना, जब इरादे हो अटल और विश्वास हो अडिग, तो क्या नामुमकिन है? जी हाँ, इसी नामुमकिन को मुमकिन करने का दूसरा नाम है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में गत 20 वर्षों से पहले गुजरात और फिर संपूर्ण भारत में अभूतपूर्व गति से और अभूतपूर्व स्तर पर हो रहा है सर्वस्पर्शी विकास। नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ इस विकास यात्रा में हर सेक्टर दे रहा है योगदान। इसमें पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर जैसे क्षेत्र की भी है अहम भूमिका। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की पहल से लेकर घाटे में दबी सीपेट संस्था को इंडस्ट्री कनेक्ट के विचार के साथ रेवेन्यू जनरेटर बनाने तक, ऐसे सभी कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी प्रयासों का है नतीजा। गत 7 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स और लेबर रिफॉर्म, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे कई कदमों से पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल सेक्टर लगातार हुआ है मजबूत। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि आज आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनकर उभरा है सीपेट। इंडस्ट्री के स्किल वर्कर की जरूरतें और रोजगार का माध्यम बना सीपेट आज 1,850 करोड़ रुपए का दे रहा है राजस्व। गत 6 वर्षों में 12 नए सीपेट केंद्र देश को मिले हैं, जो पॉलीमर फॉर पीपल के संकल्प के साथ लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने में दे रहे हैं योगदान। कोरोना महामारी के समय पीपीई किट, मास्क आदि की आपूर्ति सुनिश्चित कर सीपेट ने आयात निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में की है मदद। एक नए आत्मविश्वास से भरे सीपेट ने 2024 तक पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज को 5 लाख स्किल मैन पावर देने का रखा है लक्ष्य। आज जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी यानी आईपीटी जयपुर के रूप में सीपेट का एक नया केंद्र राष्ट्र को मिल रहा है। आईपीटी जयपुर पॉलीमर साइंस, इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में नवाचार को करेगा प्रेरित। हर साल 1,000 से अधिक विद्यार्थी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी जैसे प्रोग्राम से यहां करेंगे अपने सपने साकार। इसका विशेष लाभ मिलेगा राजस्थान के युवा और साथ ही औद्योगिक इकाइयों को। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे ले जाने के लिए इस केंद्र में रिसर्च को दिया जाएगा बढ़ावा। स्टार्टअप, स्किल इंडिया एवं मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को अप्लाइड रिसर्च द्वारा आईपीटी जयपुर देगा नई मजबूती। राजस्थान और सीपेट के लिए आज का दिन है ऐतिहासिक, जब आईपीटी जयपुर को प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश को समर्पित।